हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग लेकर आई हूँ मैं शिवनेरी फोर्ट के लिए। शिवनेरी फोर्ट के बारे में जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि शिवनेरी फोर्ट किस चीज़ के लिए बहुत फेमस है और इसके आसपास कैसा दिखता है और दूसरा इसके आसपास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो विज़िट की जा सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाली हूँ कि शिवनेरी फोर्ट कहाँ पे है, आप यहाँ पे कैसे जा सकते हैं और ये चीज़ किसके लिए फेमस है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से अपने ब्लॉग को। शिवनेरी फोर्ट जो है ये पड़ता है पुणे डिस्ट्रिक्ट में। बात करें कि ये फेमस किस चीज़ के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा कि शिवनेरी फोर्ट जो है वो बर्थ प्लेस है छत्रपति शिवाजी महाराज का। इस फोर्ट के पास में शिवाई देवी टेम्पल है जहाँ पे बोलते हैं कि शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो उसी मंदिर के पास में हुआ था, वो एक देवी का मंदिर है। तो ये तो रहा कि ये पूरी हिस्ट्री की ये किस लिए फेमस है और उनका बर्थ प्लेस है तो वहाँ पे ऐसा क्या है, कहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। तो आगे इस वीडियो में मैं वो जगह भी दिखाऊंगी जो उनका एक रूम बना हुआ है, वो भी है, वो बंद ज़रूर था लेकिन आपको देखने को मिलेगा वो। और इसमें ये भी पता चलेगा आपको कि इस फोर्ट पे आपको ट्रैकिंग कितनी करनी है, आपको कैसे पहुंचना है। तो पुणे से ये फोर्ट जाने के लिए आप गवर्नमेंट जो बसेज़ होती हैं वो भी ले सकते हैं, और हम लोग जो गए थे वो हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे। तो यहाँ पे आप ऐसे इस फोर्ट की पार्किंग तक पहुँच सकते हैं। जो गवर्नमेंट कैसे जो बसेज़ होती हैं उसका मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बस मैं अपनी कैब से गई थी तो मुझे पता है कि अपनी गाड़ी से हम कैसे जा सकते हैं वहाँ पर। अगर हम बात करें कि इसमें कितना ट्रैकिंग है, कितना ज़्यादा दूर है, कितना चलना पड़ता है, ऊपर जाके कैसा मिलेगा, कितना डिफ़िकल्ट ट्रैक है या नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको बहुत थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है और ट्रैक आपको महाराष्ट्र में किसी भी फोर्ट पर जाना है तो आपको थोड़ा तो चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ पर सारे फोर्ट थोड़े हाइट पर हैं, पहाड़ पर हैं, तो आपको थोड़ा तो ट्रैकिंग के लिए करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ट्रैकिंग के बाद में क्या वो फोर्ट तुरंत आ जाता है, ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको कुछ स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। ये वो स्टेप्स हैं जो कि आपको फोर्ट तक लेकर जाते हैं। तो आप फोर्ट पे जब जा रहे होंगे, ये स्टेप्स चढ़ते हैं, उस टाइम पर अगर आप व्यू देखेंगे तो आपको बहुत सुंदर वैली व्यू दिखेगा जो कि ऊपर से देखने में और भी खूबसूरत होता चला जाता है। ये देखिए, हम ऑलमोस्ट फोर्ट की एंट्री पे आ गए हैं और यहाँ से देखिए, आपको आप देख रहे होंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में कितना सुंदर पूरा वैली व्यू है। तो ये जो जगह है ये वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आप इसको कह सकते हैं, व्यू यहाँ से देखने को मिलता है और ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें आप छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं क्योंकि जो स्टेप्स हैं आपने देखा जैसे कि वीडियो में, स्टेप्स बहुत ही ब्रॉड हैं, आपको उनकी बिल्कुल भी बच्चों की ऐसा नहीं लगेगा कि गिर जाएंगे या स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत क्लियर बने हुए हैं, बहुत वेल मेंटेन्ड है। ये देखिए, ये ऊपर से पूरा व्यू दिखता है, जब हम फोर्ट से स्टेप्स चढ़ रहे होते हैं तो ये हमें व्यू देखने को मिलता है। जगह जगह पर आप रुक सकते हैं, वहाँ पर अपनी कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, और वहाँ पर हम जितना जितना हाइट पर जाते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी हवा लगने लगती है, तो बहुत रिफ़्रेशिंग हो जाता है सब कुछ। और ये फोर्ट वाकई में बहुत सुंदर लगता है, बहुत मेंटेन्ड लगता है, लोग काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ये वो एंट्री है जहाँ से हमने ट्रैकिंग के बाद में फोर्ट के लिए एंटर किया था। ये तो जो दरवाज़ा है ये था हाथी दरवाज़ा, हमने यहाँ से एंटर किया था। इसके बताते हैं कि चार दरवाजे हैं इस फोर्ट पर जाने के लिए। तो अभी जिसमें से हमने दो तो देखे थे, दो शायद हमने नहीं देखे थे, और ये वो जगह है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये वो रूम है जहाँ पे कि शिवाजी महाराज जो हैं वो उनका बर्थ हुआ था, ये उनका वो रूम है। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी भी लोग फूल भी चढ़ाते हैं क्योंकि जो भी महाराष्ट्रियंस हैं या बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह उनकी पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है मराठा एम्पायर के लिए, पूरा मराठा एम्पायर ही उन्हीं का है और उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ
सब जो कुछ भी किया है उन्होंने वो सब कुछ बहुत अच्छा किया, उनके डिसीजंस बहुत अच्छे थे। मतलब एक आइडियल जो पर्सन बोले जाते हैं वो हैं, इसीलिए उनकी यहाँ पूजा भी बहुत, लोग बहुत पूजा करते हैं उनके। ये देखिए, ये हमारा पूरा व्यू है जो हम फोर्ट पे पहुँच गए थे उसके बाद में कैसा दिख रहा था, ये फोर्ट से पूरा व्यू है। और आप जब वहाँ जाते हैं ना, फोर्ट पे भी चढ़ जाते हैं, तो उसके बाद भी आपको बड़ा अच्छे से पैसेज भी मिलता है देखने को। जगह जगह ऐसे हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म, प्लेट्यू टाइप कह सकते हैं आप, तो वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। आपको एक जगह बैठिए, आपको पूरा व्यू दिख रहा होगा। ये जो जहाँ से हमने व्यू कैप्चर किया है, हम एक प्रॉपर प्लेट्यू था, हम वहाँ पे बैठे और हमें ये सारा व्यू देखने को मिल रहा था। बहुत लोग आ रहे थे वहाँ पे इस स्पोर्ट के लिए। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ लोग ट्रैकिंग के लिए या इसलिए भी आते हैं, लोग दर्शन करने के लिए भी उस जगह पे काफ़ी लोग जो लोकलाइट्स हैं वो काफ़ी आते हैं। तो ये पूरा वीडियो जो है, इसमें आप यही देखिए कि आपको कितना सुंदर ऊपर से पूरा व्यू मिलेगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये फोर्ट वाकई कितना सुंदर है। और जिन भी लोगों ने ये फोर्ट नहीं देखा है, जो महाराष्ट्र में है या महाराष्ट्र प्लान कर रहे हैं विज़िट के लिए या कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि इस जो फोर्ट है इसको देखना, विज़िट करना मिस मत करिएगा। ये बहुत अच्छा फोर्ट है। इससे इस फोर्ट के पास में भी बहुत सारी जगह है। इसके पास में एक बुद्धिस्ट केव भी है जो हमने विज़िट नहीं किया था, क्योंकि हमें यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि हम काफ़ी टाइम यहाँ पे रुके थे। इसके बाद में हम लोग मलशिस घाट गए थे, जो इसी इसी के रास्ते में पड़ता है आगे चल के। मलशिस घाट वो बहुत सुंदर जगह है। वहाँ पे वो मेनली जो फेमस है वो वाटरफॉल के लिए, वहाँ बहुत सारे वाटरफॉल मिलते हैं। उसका जो एक वीडियो रहेगा, सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगी, और उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डालूंगी, और आई बटन पे भी आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। मैं उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे डाल दूंगी, तो अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ फोर्ट पे आते हैं तो आपका फोर्ट भी विज़िट होगा, आपको व्यू भी मिलेगा, आपको ट्रैकिंग भी मिलेगी। और अगर आप मलशिस घाट यहाँ से निकल जाते हैं तो आपको प्रॉपर वाटरफॉल मिलेंगे, और बहुत अच्छे वाटरफॉल मिलने वाले हैं वहाँ पे। तो वो हम बात करेंगे अपने मलशिस घाट वाले ब्लॉग में, लेकिन ये जो व्लॉग है ये डेडिकेटेड है शिवनेरी फोर्ट के लिए। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल हु आर सपोज टू विजिट पुणे और स्टेइंग इन पुणे एंड स्टिल दे हैवंट विजिटेड दैट दैट ब्यूटिफुल फोर्ट, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू विजिट दिस वंस इन अ लाइफ। सो आप ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे हम बैठे और हमने काफ़ी देर तक सब कुछ कैप्चर किया। बहुत सुंदर व्यू है इसका। आप एक बार इसको विजिट करेंगे ना तो आपको वाकई में लगेगा कि ये उनका बर्थ प्लेस क्यों है। ये देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
नेक्स्ट वीडियो जैसे मैंने बोला मल्सिस घाट का है, वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी और वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, और इस फोर्ट को विज़िट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।